दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर लंबे समय से अस्थायी व्यवस्था और अल्प मानदेय पर काम करने वाले अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है। अगर आप अतिथि शिक्षक हैं तो वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक सरकारी स्कूलों पर 17-18 वर्षों से अल्प मानदेय अस्थायी व्यवस्था के तहत काम कर रहे हैं। अलग अलग सरकारों ने इनके भविष्य को सुरक्षित करने, नियमितीकरण करने बड़े ऐलान किए। यहाँ तक कि आधिकारिक तौर पर लोक शिक्षण संचालन ने कई ऐसे आदेश भी जारी किए जिसमें अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का हवाला था। चलिए कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर दिखाते हैं, आपको कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे। बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय की तरफ से लेटर जारी किया गया है। 19/12/2024 को उत्तर भेजना है कि नियमितीकरण के लिए प्रदेश की सरकार क्या रणनीति बना रही है, तो उत्तर सदन में 18/12/2024 को दिया जाएगा, जिसका अतिथि शिक्षक बेसब्री से इंतजार कर। यहाँ पर आपको बता दें, अतिथि शिक्षक सरकारी स्कूलों पर लगातार 17-18 वर्षों से काम कर रहे हैं। अल्प मानदेय अस्थायी व्यवस्था के तहत यह काम कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग और ट्राइबल विभाग दोनों ही विभागों में सरकारी स्कूलों पर लंबे समय से काम कर रहे हैं और इनको नियमितीकरण को लेकर सरकारों की तरफ से लगातार बड़े ऐलान भी किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर मामला स्थायीकरण का है, अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर विषय यहां पर देखेंगे। अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण और अतरंकित प्रश्न 1161 है। प्रश्न लगाने वाले डॉक्टर विक्रांत भूरिया हैं, जो कि अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का सीधी तौर पर समर्थन कर रहे हैं। यहाँ पर पूछा गया है प्रदेश के शिक्षा मंत्री से, स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे। पहला प्रश्न इनके द्वारा लगाया गया है। प्रश्न है कि वर्ष 2023 में अतिथि शिक्षक के नियमित होने और अन्य मांगों को लेकर पूर्व सरकार के मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की थी, उस विषय में आज तक विभाग की कार्यवाही की जानकारी प्रदान करें। आपको बता दें, इसके पहले शिवराज सिंह चौहान तत्कालिक मुख्यमंत्री ने 2 सितंबर 2023 को राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर अतिथि शिक्षकों के लिए बड़े ऐलान किए थे। उनके नियमितीकरण को लेकर विभागीय परीक्षा से शिक्षकों की परीक्षा जो होती है, उस परीक्षा में बोनस नंबर की बात कही थी। 20 नंबर बोनस देके अतिथि शिक्षकों का फिक्सेशन करने की बात कही थी। इस तरह की तमाम तरह की घोषणाएं पूरे प्रदेश की मीडिया के सामने उन्होंने कही थी, मुख्यमंत्री रहते हुए कही थी, कोई चुनावी ऐलान नहीं था। अतिथि शिक्षक भी काफी ज्यादा उत्साहित थे। वही चीज यहाँ पर अब विधानसभा में प्रश्न बन के आ रही है, क्योंकि उन घोषणाओं के आदेश जारी नहीं किए गए। साथ ही दूसरा प्रश्न था लगाया हुआ है कि 11/9/2023 को विभाग आयुक्त ने आदेश अतिथि शिक्षक यहाँ पर नंबर दिया है 2019/28/65 नियमितीकरण हेतु जो दिशा निर्देश दिए गए थे, उस विषय और आदेश के पालन पर विभाग द्वारा आज तक जो भी कार्यवाही की गई है, उसकी जानकारी प्रदान करना है। तो यहाँ पर ये आदेश जारी किया गया था लोक शिक्षण आयुक्त के द्वारा, 2019 का आदेश है। इसमें अतिथि शिक्षकों के लिए दिशा निर्देश थे, जो ये शिक्षक बनने की योग्यताएं पूरी करने वाले अतिथि शिक्षक हैं उनके नियमितीकरण को लेकर उस लेटर पर जिक्र किया गया था। तो उस लेटर में क्या कार्रवाई की गई है, इसकी जानकारी मांगी गई है। साथ ही बताया है कि यदि आदेश का पालन नहीं हुआ है, तब कौन से कारण बाधक कारण रहे हैं। सीधी तौर पर ये संवैधानिक अधिकार के तहत यहाँ पर अब सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि जो आदेश तो जारी हुआ, लेकिन उस पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई, अगर की गई है तो क्या की गई है, अगर नहीं की गई है तो किस कारण से नहीं की गई है। तो सीधी तौर पर यहाँ पर ये आल जेडी और आल डीओ को जारी किया गया है अतिथि शिक्षक, यहाँ पर देख सकते हैं। और इस लेटर को वेरीफाई करके 26/11/2024 को यहाँ पर भेज दिया गया है सभी जेडी और सभी डीओ को। तो ये इम्पोर्टेंट अपडेट है, अब तक का सबसे लेटेस्ट है। अब इंतजार करना है 18/12/2024 को, अगर सरकार की मंशा है तो अतिथि शिक्षकों को इसके पहले ही लाभ मिल जाना चाहिए और उस लाभ का उत्तर वह विधानसभा
मध्य प्रदेश सचिवालय में देंगे। मुझे उम्मीद है जानकारी इम्पोर्टेंट है। आप सभी से आग्रह रहेगा वीडियो को दबा के लाइक करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लें।